अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ अली समर और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों पीएसएल की न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम के बारे में जिसका नाम है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर किंग्स के दरमियान पहला मैच जो कि 14 फरवरी को होने जा रहा है दुबई में। तो उससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना ऑफिशियल जो स्क्वाड था उसकी रिलीज़ की है अभी 2 दिन पहले, जिसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें ऑफिशियल जो स्क्वाड है इसका इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कि लाहौर किंग्स को फेस करेगा या फिर जो पहला मैच होने जा रहा है उसमें ऑफिशियल स्क्वाड में एक नाम ऐसा शामिल किया गया था जिसको काफ़ी फैन फॉलोइंग है, जिनकी ज़्यादा और बहुत सारे लोग उनको पूरी दुनिया में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल जो स्क्वाड था उसमें मोहम्मद समी के अलावा हुसैन तलत भी थे और रुमान रईस इसका मेन हिस्सा थे। रुमान रईस की परफॉर्मेंस से आप सब वाकिफ़ होंगे। तो अभी हाल ही में एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, वो न्यूज़ आपके साथ शेयर करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों रुमान रईस के बारे में ये खबर सुनने को मिल रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से कि उनको ड्रॉप कर दिया गया किसी इंजरी की वजह से। लोकल इंजरी है उनकी, वो प्लेयर मैच के दौरान की इंजरी नहीं है, लोकल इंजरी में वो रुमान रईस जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को अब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और उनको रुमान रईस को परफॉर्मेंस में से या ड्रॉप कर दिया गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑफिशियल स्क्वाड से, जो कि लाहौर किंग्स और पहला मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। ये एक बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तानी टीम के लिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के लिए। तो आपकी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए कि आपको रुमान रईस का ये ड्रॉप जो है वो कैसा लगता है या फिर कौन से इनके मुकाबले में कौन से खिलाड़ी को शामिल करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों का शेयर भी कर दें और पीएसएल के बारे में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है उसका नाम भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एक बहुत बड़ा धचका है और देखते हैं कि अब परफॉर्म किस तरह कर पाते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।